आज हम देखने वाले हैं यूनिकॉर्न 150cc बाइक की क्लच प्लेट कैसे बदलने की है। क्लच प्लेट बदलने के बाद गाड़ी का पिकअप बढ़ता है। जब पिकअप कम हो जाता है तभी क्लच प्लेट बदलनी पड़ती है। ये पहले अपन ने चैन कवर खोल दिया है, इसके पूरे नटा खोले वाले हैं। अब मैं तुमको दिखाता हूँ ऊपर ऊपर का। होंडा की यूनिकॉर्न बाइक है ये। यहाँ पे तीन नटा रहते हैं 4 पॉइंट के। ये खोलने के बाद अंदर एक बड़ा नट रहता है, ये भी खोलना पड़ता है। ये पूरा खोले वाला है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ कैसा है, बाद में बेटा इसमें पूरा दिखाता हूँ डिटेल्स के साथ। यहाँ पे चार नटा रहते हैं 10 के, वो निकलने के बाद इसके पीछे चार स्प्रिंग गए थे। इसके बाद इसको कूलर लगता है, बोले तो इसका स्पेशल पान आता है, ये कूलर है। ये कूलर लगाने के बाद 17 का नट रहता है अंदर से, वो निकालना पड़ता है। नट निकालना है, उसके बाद ये हाउसिंग पूरी निकल जाती है। प्लस प्लेट हब और प्रेशर प्लेट रहती है उसके अंदर, ये वाइशर रहता है पीछे का। ये सेंटर रहता है और एक हब रहता है। ये क्लच प्लेट है, देखो खराब हुई ऑयल, ये पूरी जल जाती है अंदर। ये प्रेशर प्लेट, ये क्लच प्लेट, ऐसे 5 क्लच प्लेट रहते हैं इसके अंदर। यूनिकॉर्न को एक एक्स्ट्रा आती है, स्प्लेंडर पैशन प्रो को 4 ही आते हैं। अभी इसको पूरा साफ करने का है कपड़े से। ये देखो 5 क्लच प्लेट निकाल दिया अपन ने इसके अंदर से। अभी सूखे कपड़े से पूरा साफ करके चेक करने का, खराब है कि नहीं। ये सेंटर है, वो पहले उठाया हो रहा था, वो हब था। इन दोनों को साफ करके लिए आए। अभी प्रेशर प्लेट देख लेते हैं कि प्रेशर प्लेट अच्छे हैं। इसके लिए पूरे साफ करके डाल दिया जाता है, पुराने ही डालने वाले प्रेशर प्लेट। चार प्रेशर प्लेट रहते हैं और 5 क्लच प्लेट रहते हैं। ये 150 बाइक है, इसके वजह से एक एक्स्ट्रा रहती है, क्लच प्लेट एक एक्स्ट्रा और प्रेशर प्लेट एक एक्स्ट्रा। ये देखो अपन नई ये डालते हैं क्लच प्लेट, पहले क्लच प्लेट डालने का, इसके बाद में प्रेशर प्लेट। ये देखो क्लच प्लेट में एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, ऐसा करके पूरे 5 क्लच प्लेट और 4 प्रेशर प्लेट। इसे लगा देने के एक के नीचे एक। पूरे लाइन में लेने का, 4 अंदर रहते हैं और एक बाहर रहती है। ध्यान से देखिए,
देखो गाले में चार अंदर के गाले में रहते बड़े और एक बाहर के गाले में रहती है प्लेट क्लच प्लेट। ये देखो चार अंदर गई और एक छोटे गाले में एक डाल दी, उसके बाद वाइशर, उसके बाद नट लगा देने का। देखो ये पूरा टाइट कर दिया अपन ने। ये यूनिकॉर्न बाइक है। थोड़ा उल्टा हुआ था कैमरा चार स्पीड, इसे बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है क्योंकि प्रेशर की वजह से ऊपर की प्लेट टूट जा सकती है, इसलिए पूरे चारों नटा एक साथ टाइट करने के। ये चारों नटा ध्यान से टाइट करने के, पूरे एक साथ करने के, क्योंकि इसके पीछे स्प्रिंग लगे वाली रहती है, वो इस प्लेट को तोड़ दे सकती है और वो स्प्रिंग पे पूरा क्लच प्लेट चलता है। ऊपर के दो, नीचे के दो, अपसाइड के दो दो टाइट कर देने के। ये पूरे हिसाब से टाइट करने के चारों नटा।
पास ये क्लच कवर है उसके ऊपर, इसको एना बॉन्ड लगा के चिपका देने का, इसकी वजह से इस यहाँ से ऑयल लीक नहीं होता। ये देखो एना बॉन्ड की ट्यूब अब चिपका देता है, ये पहले साफ करके लेने का पूरा। ये देखो एना बॉन्ड है, इसको बाद में कवर लगा देने का। इसी तरह से यूनिकॉर्न 150 सीसी बाइक के क्लच प्लेट चेंज हो जाते हैं और इसकी वजह से गाड़ी को पिकअप आता है, जगह पे रेस नहीं होती। नहीं तो प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी रेस होती है लेकिन पिकअप नहीं लेती, खाली आवाज़ करती है। क्लच प्लेट बदलने की वजह से आउटेज भी आता है, गाड़ी का पिकअप पड़ता है, गाड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती।